बेरोजगारी पर चुनावी चाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, वहीं 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदल दिए गए हैं। ऐसे में अब तक बीजेपी 200 में से 197 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब बाड़मेर और पचपदरा से उम्मीदवारों का ऐलान शेष है। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी करके सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है और बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवा उपेन यादव को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने उपेन यादव को मैदान में उतार कर युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की है। राजस्थान में बेरोजगार युवक संघ के अध्यक्ष उपेन यादव को टिकट देकर बीजेपी ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि बेरोजगारी और भर्तियों में गड़बड़ी के मुद्दे को वो अहमियत देने जा रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे वीकेंड की सबसे बड़ी बहस, बीजेपी की चुनावी चाल, पेपर लीक, भर्ती हथियार। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी ने उतार दी अपनी पूरी सेना, युवाओं को दिया सबसे बड़ा मौका। केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाहूंगा कि जो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार जिनकी मैं आवाज उठाता हूं और मुझे एक मौका दिया है। पेपर लीक, बेरोजगारी को बनाया मुद्दा। आपने देखो, पेपर लीक से राजस्थान के युवा बिल्कुल दंश थे। कांग्रेस पार्टी के नेता ही इसमें लिख के पेपर बेचने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे की पेपर लीक माफिया को खात्मा करना, राजस्थान के युवा को न्याय देना। तो पूनम सारिका को दिया झटका। दिन पहले पूनम कौर को टिकट दी थी, केंद्रीय नेतृत्व का था, उन्होंने दिया, हम स्वागत करते हैं। जो भी केंद्र नेतृत्व निर्णय लेगा, हम उसके साथ पहले भी साथ होंगे। देखिए वीकेंड की सबसे बड़ी बहस, बेरोजगारी पर चुनावी चाल, पेपर लीक, भर्ती हथियार। तो पेपर लीक और भर्ती को हथियार बनाते हुए यहाँ पर बीजेपी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए, डॉक्टर निमिषा प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं, माना राम ठोलिया जी प्रवक्ता आरएलपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपसे करते हुए, बीजेपी ने साफ मैसेज दे दिया है उपेन यादव को शामिल करते हुए कि पेपर लीक और युवा बेरोजगारी एक बड़ा हथियार रहने वाला है इस बार, क्या है आपके पास तोड़ इसका? प्रियंका जी, हमारे पास तोड़ तो राजस्थान की सेवा है। राजस्थान की हमने पिछले 5 साल में बेहतर सेवा की है, इस बात को उपेन यादव भी जानते हैं, राजस्थान के सारे बेरोजगार जानते हैं, राजस्थान के सारे नौजवान जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डोरे डालने का काम करती है, उन्होंने उपेन यादव के ऊपर डोरे डाले हैं। डोरे डालने का ये अर्थ है कि उनको टिकट दिया है। अब टिकट दिया है तो उपेन नौजवान है, उनकी ऊर्जा का हमारे राजस्थान में अच्छा इस्तेमाल वो कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके का उपयोग होगा ये तो उपेन बता सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूं कि हमने राजस्थान के युवाओं की बहुत चिंता की है, राजस्थान के बेरोजगारों की बहुत चिंता की है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जितनी चिंता उतनी उनके परिजनों को है, उसके बराबर की चिंता वो स्वयं भी करते हैं। लेकिन ठीक है, चुनाव है, चुनाव में लगता है कि इस उम्मीदवार को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही काम कर रही है कि कभी नेताओं को ला रही है कांग्रेस पार्टी को, कभी कर्मचारी नेताओं को ला रही है, कभी किसको अपनी पार्टी में ले जा रही है, इनके अपने खुद के उम्मीदवारों पर इनको भरोसा नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, इस बात का कांग्रेस भी तो ज्वाइनिंग करा रही है। हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की है और बेहतर सेवा के माध्यम से आप भी तो लेकर आए हैं, हमारी शानदार उम्मीद और 2023 में वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि युवा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और ऐसे में आपको भी अपने घोषणा पत्र में इससे जुड़े कुछ मुद्दे कम से कम शामिल तो करने पड़ेंगे जीत के लिए? बिल्कुल, राजस्थान के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महंगाई को लेकर के तमाम मुद्दे हमको याद है, हमारे घोषणा पत्र में आएंगे। मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए हमारी शानदार योजनाएं हमने लगा भी रखी है, हमने घोषणाएं भी की है, गारंटियां भी दी है, और हम इन सब के माध्यम से राजस्थान की हमने बेहतर सेवा की है, और भारतीय जनता पार्टी को हम वापस शिकस्त देके भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती राजस्थान से शुरू करेंगे।
निमिषा जी, उल्टी गिनती राजस्थान से शुरू कर रही है कांग्रेस, कह रहे हैं राजकुमार शर्मा जी। और ये जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आपके पास लोग नहीं, इसी वजह से ज्वाइनिंग करा के उन्हें के टिकट दे रहे हैं आप। प्रियंका जी, राजस्थान को से कांग्रेस को शिकस्त मिलने वाली, भारी शिकस्त मिलेगी। राजस्थान के 70 लाख युवा 19 पेपर लीक होने से सीधा प्रभावित हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपया उनकी फीस का पैसा, उनकी कोचिंग का पैसा, अपने गांव से शहर आकर के रहे, पूरा खर्चा किया, अपने परिवार वालों ने कर्जा लिया लेकर पढ़ाया, लेकिन एक करके 19 पेपर लीक हुए हैं। खुद संयम लोढ़ाने जी ने कहा था 2 करोड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेपर खरीद लेते हैं और 20 करोड़ में बेच देते हैं, कोचिंग बंद क्यों नहीं करा देते। वही संयम लोढ़ा जी जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे, राजस्थान के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है कांग्रेस की सरकार ने। 30 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, 18.5 लाख युवा, प्रशिक्षित युवा बता रही हूँ मैं, कौशल प्रशिक्षण लेकर के बेरोजगार बैठे रहे, लेकिन सिर्फ कांग्रेस की सरकार मस्त रही, शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों को आरएस बनाने में व्यस्त रही और पेपर लीक कराती रही, सुरेश ढाका को विदेश भगाने में लगी रही, लेकिन राजस्थान के युवाओं की सुध नहीं ली। पटरी पर लेटे तो क्या मॉड्यूल तैयार किया है आपने? पेपर लीक अगर होते तो उन्हें बीजेपी कैसे रोक पाएगी, क्योंकि आपकी सरकार थी तभी भी तो पेपर लीक हुए थे, और युवाओं को रोजगार मिल सके इसे लेकर कोई खास प्लानिंग है क्या आपके पास, या सिर्फ उपेन यादव को शामिल करने से सारे युवा? देखिए, हर तरह की प्लानिंग है, जिसने लगातार संघर्ष किया राजस्थान की सोती सरकार को जगाने के लिए, राजस्थान से लेकर के गुजरात तक का, आवाज सुने ये, और जो आप धोखा देकर के आए हो, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है, और आप देखिएगा युवाओं के साथ एग्जामो, बैंक्स के एग्जामो और नेट का एग्जामो सभी ट्रांसपेरेंसी से होते हैं, और यदि कोई उसमें गड़बड़ी करता है तो ऐसा पनिशमेंट मिलता है कि दोबारा दुस्साहस नहीं करेगा। यहां कांग्रेस की सरकार विदेश भगा देती है, कहीं ना कहीं साठ गांठ होती है, शिक्षा संकुल में पेपर छपता है, राजीव गांधी होता है, लेकिन सबको मिलती है क्लीन चिट। तो बेरोजगार, राजस्थान के बेरोजगारों के परिवार, 2.5 करोड़ परिवार इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का जो 25 नवंबर को आने वाली है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि धोखा ही नहीं, परिवार के परिवार उजाड़ दिए। प्रियंका जी, युवा लिख करके गए हम जा रहे हैं, सॉरी पापा मुझसे नहीं होगा, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर बेरोजगारों ने आत्महत्या की और बेरोजगारी फीस दी 28 से 32% बेरोजगारी है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में, फिर भी सरकार मस्त है, आशियाने में कैद है, होटल में कैद है, कुर्सी की जंग इतनी जबरदस्त रही कि कोई परास्त हुआ तो हमारे युवाओं के सपनों को। तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि बेरोजगारी को मुद्दा अब इस बार बीजेपी बनाने वाली है। अब देखना ये होगा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कैसे बेरोजगारी खत्म कर पाती हैं। माना राम जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, उपेन यादव को पार्टी में शामिल करके टिकट देके, उपेन यादव का तोड़ आरएलपी के पास। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, उपेन यादव जी पिछले कई सालों से युवाओं की आवाज बनके, बेरोजगारों की आवाज बनके लड़ाई लड़ रहे थे। 40 लाख युवा बेरोजगार है राजस्थान के अंदर, लेकिन उपेन ने धोखा किया है उन युवाओं के साथ, 40 लाख युवाओं के साथ धोखा किया उपेन यादव जी ने, और सबसे बड़ा बीजेपी ने धोखा किया कि केंद्र में मोदी जी ने ऐसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता अगर वो अपने वादे के मुताबिक सही रहते तो। मैं आपके पास केंद्र में कांग्रेस कार्यालय सीधे लिए चलते हैं, सोनाराम जी इस वक्त बोल रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ ही मौजूद हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। मैं वापिस चलता हूँ और कांग्रेस में आकर के लोगों की सेवा करें। आपने देखा होगा किसानों का जो एजिटेशन हुआ था उसके अंदर ही बहुत लोग किसान नाराज है, चाहे MSP का है दूसरा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी में आकर के एज ए जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करूं इसके लिए। और मैं आज सुबह खड़गे साहब से मिला था, तो मुंशी भी नेता सोनिया जी नहीं थे, तो राहुल गांधी खड़गे साहब ने मुझे सुबह आशीर्वाद दिया, और अभी मैं रंधावा साहब से मिला हूं, धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूं कि उम्मीद है मैं जीत करके आऊंगा,
और वहाँ के मैं अकेला नहीं जीतूंगा, मुझे खड़गे साहब ने कहा है कि औरों को भी जीतना है, जो हमारे वोट जगह है और हेमाराम जी मेरे साथ है, बहुत उनकी मेहरबानी है। और हम अगर जीत के आ गए सरकार बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे और राजस्थान की प्रगति करेंगे। धन्यवाद। समस्त पत्रकार बंधुओं, मैं प्रशांत सिंह परमार। तो कर्नल सोनाराम एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और लगातार जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मानाराम जी, आपके पास आते हुए अपनी बात पूरी करिए। जी मैं ये कहना हाँ जी मैं प्रियंका जी ये कहना चाहता था कि आप देखिए बीजेपी की यहाँ विपक्ष में कोई भूमिका नहीं रही। पिछले 5 साल में पेपर लीक हुए, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, आरएलपी पार्टी लड़ रही थी। और आप देखिए कि 19 पेपर लीक हुए और यही उपेन यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी नाकाम रही इन चीज़ों में कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। और ये देखिए केंद्र में अलग बोलते हैं, यहाँ की नीति अलग होती है और बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। लेकिन अगर पेपर मामले का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा सबसे ज्यादा सड़कों पर नजर आए थे। जी देखिए एक सांसद, लेकिन बीजेपी में फूट दिखी, एक होके अगर युवाओं की आवाज उठाती तो कुछ न कुछ सही रास्ता निकलता, लेकिन एक होके कभी नहीं उठाई, क्योंकि इनकी मनसा में खोट था। और हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी थी जो युवाओं की आवाज भी उठाई, कई धरने प्रदर्शन किए, ये 33 जो जिले हैं इनके मुख्यालय पे धरने किए। आरएलपी की तो क्या करेगी आरएलपी युवाओं के लिए, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, युवा बेहद परेशान है। देखिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारों को रोजगार देना सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज डिग्री लेके युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, आरएलपी का तो मेन मुद्दा है ये कि हमें सही रोजगार देंगे युवाओं को, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। इन्हीं चीजों के साथ आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था, किसान जवान के साथ, और हम जवानों के साथ धोखा नहीं करेंगे, जवानों को मौका देंगे और डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस ने बीजेपी ने धोखा किया, नरेंद्र मोदी जी ने धोखा किया, और यहाँ देखिए अपराध में एक नंबर, बेरोजगार में, भ्रष्टाचार में। और बीजेपी पार्टी ने अगर ईडी अगर इतनी चिंता होती बेरोजगारों की, तो वो ईडी की जांच जब पेपर लीक हो रहा था तब क्यों नहीं करवाई, ये कितना बड़ा सवाल है। और जब अब आचार संहिता लगी है तो अब पेपर लीक की और जांच ईडी भेज रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता देख रही है, सुन रही है, जनता देख रही है कि अगर ईडी भेजते तो तब भेजते जब पेपर लीक हो रहा था। हनुमान बेनीवाल जी संसद के अंदर कह रहे थे कि ईडी से जांच करवाओ, तब नरेंद्र मोदी जी ये भारतीय जनता पार्टी कहां गई थी। आज इनको युवाओं का टेंशन हो रही है और सोच आ रहा है। आप ये बड़ी बात देखिए कि अब तो उपेन यादव जी को साथ में लेके कि हम युवाओं को मौका देंगे, उनके साथ न्याय करेंगे, लेकिन न्याय तब होता प्रियंका जी जब सही समय पे ईडी की जांच करवाते, 19 पेपर लीक हुए उनकी सही समय पे जांच करवाते, तब मानते कि बीजेपी सरकार केंद्र की सही न्याय कर रही है युवाओं के साथ। ये बड़ा धोखा है, दोनों पार्टियां मिलके युवाओं के साथ धोखा कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। आज का मुद्दा यह है, उपेन यादव जी ने सबसे बड़ा धोखा किया, युवा नाराज है। सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि उपेन यादव जी आप 5 साल सड़कों पे लड़े, 6 साल सड़कों पे लड़े, आज बीजेपी अच्छी हो गई, बीजेपी केंद्र से सवाल पूछते थे नरेंद्र मोदी जी से आप कि क्या करेगी युवाओं के लिए, आप क्या करोगे, सरकार राजस्थान में आई, आज वही उपेन यादव आज बीजेपी में शामिल हो गए और सब कुछ अच्छा हो गया, साफ सुथरा हो गया। ये देखिए बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान के अंदर, दोनों पार्टियां मिलके राजस्थान को लूट रही है। आप एकमात्र व्यक्तिवादी बात मत करिए, आज राजस्थान के 30 लाख युवा बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, वही काम राजस्थान की सरकार कर रही है, दुर्भाग्य है। मैं तो कहना चाहता हूँ राजस्थान की बर्बादी नजर नहीं आ रही है, आपको राजस्थान के बर्बाद युवा नजर नहीं आ रहे हैं, बेनीवाल आरपी पार्टी का लड़ रहा है, ये जनता देख रही है। इस बार जनता ने मानस बना लिया है कि आरएलपी पार्टी सत्ता में आएगी, युवाओं के साथ न्याय होगा, बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा। ये आपको देखने को मिलेगा प्रियंका जी, राजस्थान की जनता सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी थर्ड फ्रंट की तरफ देख रही है, आरएलपी पार्टी की तरफ देख रही है। और ये आपकी बार ये भाजपा सरकार की दाल नहीं गलने वाली, यहाँ आपकी बार ये 60-70 के अंदर चुटेंगे और कांग्रेस पार्टी रिपीट होने का जो सपना देख रही है, ये सपना भी कतई पूरा नहीं।
नहीं होगा प्रियंका जी, ये आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 5 साल विपक्ष की भूमिका नहीं निभा के किसान जवान बेरोजगार के साथ धोखा ही किया, सही काम नहीं किया, इसी वजह से 25 साल से राज कर रहे दोनों पार्टियां गहलोत जी और वसुंधरा जी। लेकिन आज भी युवा बेरोजगार है, किसान के खेत में पानी नहीं है, पीने को शुद्ध गाँव के अंदर पानी नहीं है, लाइट बिजली नहीं है। ये बड़ी बात है, आज राजस्थान में दुर्भाग्य है, जयपुर की हालत खराब है, आप जयपुर की सड़कें देखिए, इनके पास कोई आगे बढ़ रहा है, रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है, बिना विजन के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिना विजन के काम करते हैं, युवाओं के साथ धोखा करते हैं। अगर सही करते तो मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देते, 18 करोड़ युवा बेरोजगार नहीं घूमता राजस्थान में, 40 लाख युवा बेरोजगार नहीं घूमता। अगर कांग्रेस भी न्याय करे, दोनों पार्टी तो जनता फैसला करेगी। और बहुत ज्यादा वक्त भी दिया गया, 3 दिसंबर को पता चली जाएगा कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि एक बड़ा दाव मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से उपेन यादव को शामिल किया है, निश्चित तौर पर युवा वोटर्स बढ़े तो फायदा पहुंच सकता है बीजेपी को। क्या लग रहा है इस ज्वाइनिंग के बाद कितना फायदा बीजेपी को पहुंचते हुए, और जो विपक्षी पार्टियां उन्हें कितना नुकसान हो सकता है? देखिए राजस्थान आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे भारत के युवा ठीक है, निमिषा जी, कोरोना काल से लेकर के आज तक मजबूती से खड़े हुए हैं, और लाखों करोड़ों युवा स्टार्टअप के साथ। खराब है और ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आज पड़ोसी देशों में जाके ये देखिए, शहरों का देखिए, मजबूत है भारत सिटी। आप को भी पड़ोसी देशों को जाकर के देखिए, निमिषा जी पार्टियों को भी तो बोल लेने दीजिए। हमें बुलेट ट्रेन चलाएंगे, काला धन कुछ भी नहीं है, इन्होंने धोखा किया एक नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है कितना फायदा पहुंचेगा इस फैसले से बीजेपी को, और जो और पार्टियां हैं उन्हें क्या नुकसान पहुंच सकता है? देखिए निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों ने उपेन यादव का यूज किया है। आपको याद होगा 2018 में इसी उपेन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस समय उन्होंने अपील की थी नौजवानों से कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, वो जमाना भूला नहीं है। तो 2018 में आपने कांग्रेस के लिए अपील की, ठीक है, जब सरकार कांग्रेस की बन गई तब इन्होंने प्रदर्शन किए, तब इन्होंने RPSC के खिलाफ प्रदर्शन किए, तब धर्मेंद्र राठौड़ इन्हें CM के मिलाने भी लेके गए, तमाम चीज़ें हुई। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ चीट किया वो साफ कहते हैं, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा धोखा जो रीट की चीट थी, उसके मुख्य जो कारिंदे थे, जो किरोड़ीलाल मीणा या उपेन यादव के हिसाब से सुभाष गर्ग, राजीव गांधी स्टडी सर्किल, अशोक गहलोत जी ने दोस्ती निभाते हुए भरतपुर की सीट RLD के लिए छोड़ दी। तो ये एक मुद्दा है कि रीट की चीट। अब उपेन यादव को जिस तरीके से पीटा गया RPSC के मुख्य दरवाजे पे, कांग्रेस के कार्यालय के सामने, तमाम मुद्दे हैं जब उन्होंने आमरण अनशन किया। लेकिन आप देखिए कि ये एक ऐसा इशू है जो चुनावी रणभेरी को, जो चुनावी पॉलिटिकल साइंस का सिनेरियो, उसको चेंज कर सकता है। क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं, आपने अशोक गहलोत जी कह रहे 3 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन इस चुनावी बजट में, इस साल के बजट में 1 लाख नई नौकरियों की भर्ती की घोषणा की थी, एक भी नौकरी नहीं लगी है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा जो पेपर लीक का मामला है, वो पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं जो नौजवान है वो परेशान है, भेजा परेशान है, उसके घर वाले परेशान हैं। तो इस मुद्दे को जहां बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत शिद्दत के साथ उठाया, और किरोड़ीलाल मीणा को आपको याद होगा जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की अनुमति नहीं दी गई थी, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आप देखिए आज किरोड़ीलाल मीणा सबके लाडले हो रहे हैं, और इस मुद्दे को केवल दोनों ने ही किया, हनुमान मेनीवाल ने दिल्ली में उठाया और किरोड़ीलाल ने। देखिए खुद कह चुके, देखिए आप जो सबसे मरी हुई है, देखिए आप देखिए ये एक एक देखिए जो सबसे बड़ा, देखिए आप सांसद मोदी के साथ हुआ सबको पता है, आपको पता है किरोड़ीलाल जी के साथ क्या हुआ, सतीश पूनिया जी तक किरोड़ीलाल जी के साथ क्या हुआ, किसी छुपा हुआ है क्या? आपको छुपा खुद किरोड़ीलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोके का कि मेरे साथ खड़ी नहीं है सतीश पूनिया, खड़े नहीं है। और लगातार देखिए आप आज कुछ भी कह दीजिए, आप जब से सतीश पूनिया हटे हैं तब से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी कार्यालय में जगह मिली है राजस्थान के युवाओं। लेकिन आप देखिए जो सबसे बड़ी बात है,
जो सबसे बड़ी बात है, देखिए करोड़ रुपया उन युवाओं जो सबसे बड़ी बात है वो आपके जमाने में हुए हैं बेकार। 11 पेपर आउट हुए थे वसुंधरा जी के टाइम में। देखिए आप ये छोड़ दीजिए, आप भी आप उसको, लेकिन आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सुन लीजिए प्रियंका जी, आप शाहपुरा सीट का गणित बिगड़ गया है, न बीजेपी जीतेगी न कांग्रेस जीतेगी। आप लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ये मान लीजिए उपेन यादव चुनाव हारेंगे, आज लिख लीजिए उपेन यादव चुनाव हारेंगे, क्योंकि वह दोनों यादव लड़ रहे हैं और आलोक बेनीवाल निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। आज लिख लेना, आपने उसमें भले वेपन बनाया होगा लेकिन वो खुद चुनाव हारेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरण में फंस गए दोनों यादव हैं और पिछली बार भी निर्दलीय जी। देखिए सैकड़ों युवाओं को छोड़ दिया, बट जाएंगे और आप कह रहे हैं कि निर्दलीय को इसका फायदा पहुंचेगा। प्रियंका जी, प्रियंका जी आज लिख लेना आप रिजल्ट की शाहपुरा से इन्होंने भले वो मास्टर कार्ड खेल दिया लेकिन वो चुनाव हारेंगे। देखिए मैं आपके चल रही देखिए आप उन युवाओं को आप युवाओं को छोड़ दीजिए आप, जिन्होंने सबसे बड़ा प्रियंका जी, प्रियंका जी टेंशन हो रही है। देखिए प्रियंका जी वाल जी बीच में आ गए, देखिए प्रियंका जी कड़वी सच्चाई सुनिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। प्रियंका मिथिलेश जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। देखिए इन्होंने मास्टर कार्ड खेल दिया इनका, लेकिन ये मास्टर कार्ड इनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि वहां मनीष यादव जो पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो है, उपेन यादव है, और वह निर्दलीय सविता बेनीवाल ने पीसीसी से इस्तीफा दे दिया है और वह निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे। यादव यादव वो डिवाइड होंगे और जाट और वोट जीतने जीतेंगे। बड़ी बात उपेन यादव का विधानसभा में पहुंचने का सपना अटक गया। यादव है तो वोट तो डिवाइड होंगे, कास्ट फैक्टर यहाँ पर अगर डिवाइड होंगे और फायदा है और पहुंच सकता है। और इसमें अशोक गहलोत का नर्वस 90 का गेम जारी है। ऐसे ही किशनगंज में वो सुरेश टाक जीता रहे, विकास चौधरी और भागीरथ चौधरी के बीच में सुरेश टाक निर्दलीय लड़ रहे, पिछली बार भी अशोक गहलोत के साथ थे। तो अशोक गहलोत तो अपनी बिसात बिछा चुके हैं, वो तो नर्वस 90 का गेम बिछा चुके हैं, और कौन बीजेपी कह रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे उपेन यादव को उसको फंसा दिया आपने जी। मैं तो ये कहना चाहता हूं बीजेपी को बड़ी टेंशन हो रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये सोच रहे थे कि हमारा नंबर आ रहा है प्रियंका जी, ये सोच रहे थे हमारा नंबर आ रहा है, राज करेंगे, ऐश करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पेपर लीक करेंगे, युवाओं के साथ किसानों के साथ फिर से वही करेंगे जो पिछले 10 साल में किया था वसुंधरा जी ने, ये बड़ा सपना देख रहे हैं। तो इनका सपना बहुत दूर है इस बार, ये राज में नहीं आने वाले। एक बात बता दीजिए, देखिए हम तो नई पार्टी है, अभी हम तो खड़े हो रहे हैं, नया पौधा हम तो लगाया, बड़ा हो रहा है हमारा पौधा धीरे धीरे, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम तो आवाज उठाएंगे। 1 लाख युवाओं को रोजगार का वादा किया था आपने, पूरा किया क्या? और सवाल तो उठेंगे क्योंकि कई सारे पेपर लीक हुए, एक लंबी फहरिस्त है, तो युवा वोट तो बटेंगे आपके। प्रियंका जी हमने 3 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, 1 लाख से ऊपर युवाओं को हम रोजगार दे चुके हैं, बाकी 2 लाख युवाओं की नौकरी पाइपलाइन में रखी हुई है। 1 लाख से ऊपर रोजगार दे चुके हैं। या तो पेपर लीक वाले मामले में आप बात करें, पेपर लीक वाले मामले में हमने सारे अपराधियों को पकड़ के कानून के हवाले करके जेलों में भेज दिया है। हमने पेपर लीक वाले मामले में कड़ा कानून बनाया, उम्र कैद की सजा बनाई है, हमने करोड़ों रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया है। तो राजस्थान की सरकार तो युवाओं के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, भविष्य में खड़ी रहेगी। हमको सत्ता की चिंता नहीं है, हमको चिंता है हमारे युवाओं का नुकसान नहीं हो, हमारे बेरोजगार का नुकसान नहीं हो, हमारे राजस्थान के लोगों का नुकसान नहीं हो। कौन सा आंकड़ा 1 लाख नया वोट जो जुड़ा है वो भी आरंभ के साथ जुड़ा है। बता देंगे कि किसे कितना रोजगार मिला। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।